स्वागत है, अभिनंदन है आपका अपने चैनल आयुष क्लासेस में। कैसे हो सब? सभी स्वस्थ, सभी मस्त, सभी जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे हिंदी का दूसरा पाठ। दूसरे पाठ का क्या नाम है? दादी माँ। तो दूसरे पाठ के लेखक कौन है, ये हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। तो इसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह कैसे अपनी दादी के बारे में बताते हैं, तो ये हमने पढ़ लिया था। आ ये हमने यहाँ पे देखो, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ये हमने पूरा पढ़ लिया था। तो आज हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो मैं पहले समरी बता दूँ हमने पिछले वीडियो में क्या क्या किया था। तो हमने पिछले वीडियो में किशन भैया की शादी तय हुई थी, वहाँ से मैं अब तक बता दूँ हम अब क्या पढ़ने वाले। वह किशन भैया की शादी तय हुई थी, तो वहाँ पे किशन भैया को दादी माँ को बहुत काम रहता था। जो घर वाले हैं उनको बहुत काम रहता है, किसी की शादी तय होती है तो उनको बहुत काम होता है। तो इसलिए कोई पड़ोसिन उसको बुलाती है, दादी माँ को बुलाती है, तो वह थोड़ी देर बुलाने के बाद ही आती है और कहती है कि मुझे घर में बहुत काम था इसलिए मुझे देरी हो गई। और बाद में जब शादी हो जाती है तो शिव प्रसाद सिंह है वह अपनी ज्वर के कारण यानी बुखार के कारण वह बारात में नहीं जा सके। उसका ममेरा भाई था वह भी बारात में नहीं जा सका क्योंकि वह लेट हो गया था, तो वह भी बारात में नहीं जा सकता। तो मेरा भाई था वह तो सो गया बाहर। जो शिव प्रसाद सिंह है वह सोए नहीं, उनको नींद नहीं आ रही थी। तो औरतों को नाटक करने के लिए कहा था, तो उसको बाहर जाने के लिए कहा था, पर दादी नवा ने यह कह दिया कि बच्चे हैं, बच्चे तो ब्रह्मा का मन होते हैं। तो ऐसे कहकर उन्होंने यह बात डाल दी और शिव प्रसाद सिंह को एक मोटी चादर से ढक दी। तो कि शिव प्रसाद सिंह को तो नींद नहीं आ रही थी, तो वह मन ही मन सोचे क्योंकि अगर मैं हंस जाऊंगा तो ये मुझे बाहर निकाल देगी यानी बाहर गिर देगी। पर भाभी की बात से उनकी हंसी नहीं रुक पाएगी और वह जोर से हंस पड़ी। तो बाद में देबू की माँ है ना, उन्होंने चादर खींच ली और अपनी दादी माँ से कहा, कहो दादी यह कौन बच्चा सोया है? ऐसे तो कहना बनता है क्योंकि उन्होंने इसे सुलाया था। तो दादी ने कहती है, बेचारा रोता होगा शायद, दूध तो पिला दूँ, यानी यह दूध पी नहीं पिया होगा, रोता होगा। हाथापाई शुरू हुई यानी हाथापाई यानी बातों की हाथापाई शुरू हुई। अब हम आज हम क्या पढ़ने आज हम पढ़ रहे हैं आज हम पढ़ेंगे आज है सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। देबू की माँ है जिन्होंने चादर खींचा था, वह मिली और कही, कल वाला बच्चा भाभी यानी यह कल वाला ही बच्चा है। तो शिव प्रसाद सिंह है वह जोर से वहाँ से भागे और अपनी दादी के पास पहुँच गए। जब कोई किसी का पक्ष ले आया उसके पास है तो उसके पास चले जाते हैं, वह अपना पक्ष ले तो उसके पास चले जाते हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति, यहाँ कितनी अच्छी लाइन आई है, स्नेह और ममता की मूर्ति। दादी माँ की एक एक बात आज कैसे कैसी होती मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्याचक्र जीवन को सूखे पत्ते का सा नचा कैसे नचा देता है, यानी ये परिस्थिति है, ये वात्याचक्र है, यह जीवन को कैसे कैसे नचा सकता है पत्ते की तरह है। इससे दादी माँ खूब जानती थी, यानी जीवन का वाच्य चक्र है, इस दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु होने से, मैंने शुरू में कहा था कि दादी है वो विधवा है यानी उनकी पति की मृत्यु हो चुकी है, तभी उन्होंने शुरू में वहाँ पे दिखाया गया था कि वहाँ पे सफ़ेद किनारीहीन शादी यानी कोई किनारी नहीं थी, वह साड़ी पहन रखी थी उन्होंने। संसार उन्हें धोखे की यहाँ पे
दादा ने उन्हें स्वयं को स्वयं जो धोखा दिया है, दादा ने उन्हें धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर उनके पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। यानी वे उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की बात झूठी बात कहकर कहते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बंगल में दोरों वाले दोस्तों के शुभ चिंता ने स्थितियों और भी डावाडोल कर दी। यानी स्थिति है ना दादा की मृत्यु के बाद, वह डावाडोल कर दी। दादा ने श्राद्ध में दादी माँ के मन करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यक्त की वह घर की तो नहीं थी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। यानी दादी माँ अपने अपने पति की मृत्यु के बाद उदास रहती थी। माँ के दिनों में कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। जाड़ा क्या होता है यार, जाड़ा यानी ठंडा पड़ रही थी। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी रहती। पछुओं का सन्नाटा होता था और पालों की शीत हड्डियों में घुसी रहती। यानी सर्दी हड्डियों में घुसी रहती। शाम को मैंने देखा, यानी शिव प्रसाद सिंह ने देखा, दादी माँ गीली धोती पहनी, दादी माँ गीली साड़ी पहने। धोती का अर्थ यहाँ पे साड़ी है। ये काने वाले दादी माँ गीली धोती पहनी, यानी गीली साड़ी पहनी। कोने वाला घर में एक संदूक पर दिया जलाया हाथ जोड़कर बैठी थी। यानी एक गीली धोती यानी गीली साड़ी पहनकर वह संदूक पर एक दिया जलाए बैठी थी, हाथ जोड़कर बैठी थी। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखी थी। यानी शिव प्रसाद सिंह है, उन्होंने कभी दादी माँ की आंखों में आंसू कभी नहीं देखी थी। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। शिव प्रसाद सिंह है, वह उनके पास बैठा रहे। उन्होंने आंखें खोली, यानी दादी माँ है, उन्होंने आंखें खोली। मैंने धीरे से कहा, यानी शिव प्रसाद सिंह है, उन्होंने धीरे से कहा, क्या है रे? यानी दादी माँ ने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, यानी ये शिव प्रसाद सिंह कहते हैं कि दादी माँ एक बात पूछूं, नहीं अपनी दादी से कहते हैं कि दादी माँ एक बात पूछूं, बताओ ना, बताओगे ना, यानी तुम बताओगे या? मैंने अपनी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा, यानी उन्हें अपनी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। यहाँ पे आप फोटो में देख पा रहे होंगे, ये दादी माँ है, हाथ जोड़ी बैठी है और ये यहाँ पे दीपक जल रहा है। अब दादी माँ कहती है, क्या है पूछ, यानी क्या बात है, तुम पूछो मुझसे। अब शिव प्रसाद सिंह कहते हैं, तुम रोती क्यों हो? दादी माँ मुस्कुराई, दादी माँ अब मुस्कुराई, कहती दादी माँ ने कहा, पागल तूने अभी खाना भी नहीं खाया, चल चल धोती तो बदल लो माँ। दादी माँ मैंने कहा, शिव प्रसाद सिंह ने कहा कि धोती तो बदल दो, यानी साड़ी तो बदल दो, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। अब दादी माँ कहती है, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती। वे मुझे खींचती हुई रसोई में ले आई, यानी दादी माँ है खींचती हुई शिव प्रसाद सिंह को रसोई में ले गए। सुबह मैंने देखा, यानी सुबह देखा, चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। यानी ये शिव प्रसाद सिंह के पिताजी और किशन भैया कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या था, यानी दूसरा चारा ही क्या था, दूसरा ऑप्शन ही क्या था। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए।
यानी रुपया है जो पैसे है वो कहीं देता नहीं। वो पिछले कितने बाकी हो गए। वे रोने रोने से हो गए, यानी रोने रोने से हो गए। रोते क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, यानी माथे के हाथ लगाते हुए कहा, रोते क्यों हो रे? मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। दादी माँ ने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के दिन लिए पहनाया था। यानी तेरे दादाजी हैं, उन्होंने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया, यानी वह कुछ बोल ना सके, उनका गला भराया। मैंने इसे पहना दिया, दादी माँ ने उसे पहना दिया। इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। यानी इसे सहज कर, यानी इसे ध्यान रख कर, सहज कर का अर्थ हो गया ध्यान रख कर मैं रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है, यानी यह उनके वंश के कारण है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, यानी अपने आंसू हैं, उन्होंने अपने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछे अब सोच लेते हैं थे बेटा। यानी पुराने लोग हैं वह आगे पीछे की सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी जी दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगी। यानी साप भ्रष्ट, यानी कैसे कोई की साप भ्रष्ट नहीं, यानी साप नहीं दे सकती। धुंधले छाया विलीन हो गई, यानी ये धुंधली छाया थी वह विलीन हो गई, यानी गायब हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ाया, यानी मैंने देखा कि दिन काफी ऊपर आ गया। दिन काफी ऊपर आ गया मतलब है इवनिंग का समय हो गया। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिलौनी काली पंखों फैलाकर मेरी खिचड़ी पर बैठ गया। यानी पास में खजूर पे पेड़ पर बैठा कौवा अपने पंख फैलाकर मेरी खिचड़ी बन रही थी उस पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्थर कांप रहा है, यानी हाथ में अब भी किशन भैया का जो पत्थर था वह कांप रहा है। काली चींटी सी कतारे घुमील हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता, यानी आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? यानी क्या सचमुच दादिया है या नहीं? तो आज हमने पूरा पाठ कर लिया है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।